Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental and Ayurvedic sciences. Today our topic is Aguru, a topic of Ayurveda. Guru, arthat, na guru vidyate, anya swagandhikam dravyam asmat iti. Matlab, ki koi bhi aisa swagandhik dravya nahi hai, jo isse bhi guru ho. Aisa jana ja. क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है उसके जैसे ये गुरु हो जाते हैं. इसका बॉटनिकल नेम है एक्विलेरिया अगलोचा. फैमिली नेम है थाइमिलेसी. इंग्लिश नेम है ईगल वर्ड और जिसके संस्कृत नेम्स है वो क्रिमिच. क्योंकि ये क्रिमि से उत्पन्न होता है. जिसका क्लिनिकल प्रॉपर्टी है वो क्रिमिच क्रिमि से उत्पन्न होता है. ठीक है, एक फंगल है ये क्रिमिच जब्त अनार्यका विश्व रूपकम प्रवर. ये बहुत श्रेष्ठ होता है. जोंग कम, ये जोंग एरिया मतलब जो हिली एरिया उसके पास में मिलता है. श्रेष्ठ वृक्ष, ये श्रेष्ठ वृक्ष में काउंट होता है. राजहर, इसकी जो यूजफुल प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से रॉयल फैमिलीज में इसे काफ़ी यूज करते थे, इसलिए इसको राजहर बोला है. लौह इसलिए बोला है क्योंकि इसका जो वर्ण होता है सार भाग का वो कृष्ण वर्ण और बहुत ही भार में हैवी होता है, इसलिए इसको लौह बोला है. आचार्य चरक के अनुसार इसको शीत प्रशमन, क्योंकि ये शीत का प्रशमन करता है. श्वासहर शिरो विरोचन उपग तिक्त स्कंद. तिक्त स्कंद क्योंकि इसका जो रस होता है वो कटु तिक्त होता है, इसलिए इन गणों में रखा है. शुश्रुत अनुसार सालासरादि एलादि और श्लेष्म शमन में रखा है. आचार्य वाग्भट के अनुसार सालासरादि और एलादि में रखा है. देंगे अगुरु की वेराइटीज. राजनिकंठ अनुसार चार वेराइटीज हैं, कृष्ण काष्ट दाह मंगल. कृष्ण जो है वो ब्लैक कलर में है और आईज ईयर्स और स्किन से रिलेटेड डिजीज में ये हेल्पफुल होता है. जो काष्ट है वो पीत वर्ण का येलो कलर का है, जो दुर्गंध बैड ब्रीथ और वॉमिटिंग और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में हेल्पफुल होता है. जो दाह वेराइटी है वो प्लीजिंग फ्रेग्रेंस देती है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल होती है. जो मंगले है वो बेस्ट क्वालिटी होता है और वो बहुत ही हैवी होता है और थिक होता है और वाटर में डालने पे सिंक हो जाता है. शोडली घंटू के अनुसार तीन वैरायटी है, कृष्ण अगुरु और काकातुंग अगुरु. अब हम चलते हैं अगुरु के स्वरूप पे. अगुरु एक वृक्ष की फॉर्म में होता है जिसकी हाइट होती है वो जनरली 60-80 feet होती है और जिसकी थिकनेस होती है वो 3-4 feet होती है और जो लीव्स हैं वो थिन और शाइनी 3 inch लॉन्ग. फ्लावर जो है जो हम सेकेंड इमेज में दिख रहे हैं वो स्मॉल होते हैं और ग्रीनिश होते हैं और जो प्लांट पेटियोल हैं जिन पे वो लगे होते हैं वो बहुत ही स्लेंडर होते हैं और जो फ्रूट है जो कि हम थर्ड इमेज में दिख रहे हैं वो बहुत ही स्मूथ और थिन होता है. बेसिकली इसमें क्या होता है, जो अगुरु की बार्क होती है वो फियो क्रिमोनियम पैरासिटिका फंगस से इन्फेक्ट हो जाती है और जो उसका कलर लाइट ब्राउन होता है वो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आ पाती हैं. जिसके फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हैं अगेरस पायरोल एक्विलेचिन लिग्निन पेंटोजन्स होलो सेलुलोज एसेंशियल्स ऑयल जैसे एगेरॉल जो कि सेकेटोपिन अल्कोहल है यही सुगंध प्रोवाइड करवाता है. जिसके यूजफुल पार्ट्स हैं वो है हार्डवुड जिसको हम कांड कहते हैं कांडसार, यही इसमें ही एरोमेटिक रुजिनस होता है और एक वुड होती है अगर वुड ऑयल एलोज वुड ऑयल. इम्पॉर्टेंट जो इसके फॉर्मुलेशंस होते हैं वो है अगुरवादी तैलम अनुतैलम हिमसागर तैलम रसनादि कषायम खजरादि वटी अराजिता धुआं. इसका जो अनुपान है चूर्ण का 3-5 gram इन डिवाइडेड डोजेस पर डे और जो ऑयल का है वो 1-3 drops पर डे. पढ़ेंगे रस पंचक. अगुरु का जो रस होता है वह है कटु तिक्त गुण लघु रूक्ष तीक्ष्ण वीर्य उष्ण विपाक कटु. कर्म जो है वो है वाथर कफहर कृमिघ्न कुष्ठघ्न वात कफहर. जिसे सिस्टम पे जो इसके एक्शन है वह है मुख दुर्गंध नाशन दीपन पाचन अनुलोमन हेल्पफुल इन आमादोषा शमन ऑफ कोष्ठगत वात. बेसिकली वात शामक प्रॉपर्टीज़ हैं और आम का भी ये हेल्पफुल होती है आमदोष के लिए बिकॉज ये कफहर भी है. सर्कुलेटरी सिस्टम पे रक्त शोधक दुष्ट व्रण शोधन हेल्पफुल इन हृदय दौर्बल्य रक्त विकार इंटेस्टिनल वॉर्म्स अगेन बैड ब्रीथ लॉस ऑफ एपेटाइट
intestinal gases. Because of tikshna or ushna qualities, these particular karma is coming on. जो nervous system पे उस पर इसका stimulant की तरह act करता है ये, और basically वात व्याधि में ये helpful होता है, paralysis हो गया. ये त्वक दोष हर है क्योंकि ये बेसिकली जो कुष्ठ है वगैरह है इनको भी ये नाश करती है, स्किन डिजीज, स्किन का डिटॉक्सिफिकेशन करती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये बेसिकली कफ अग्न है तो स्पूटम में रिलीफ करती है, कफ में हेल्पफुल होती है, कोल्ड, अस्थमा, काशर, श्वासर, हिक्का और एक्यूट या फिर क्रोनिक ब्रंकाइटिस में भी ये हेल्पफुल होती है. जो बेसिकली जो मस्कुलर स्केलेटल्स कम है उसमें आमवाद, संधिवाद, विकारों में भी हेल्पफुल होती है, जॉइंट इन्फ्लामेशन को होती है और ये गाउटी या फिर रूमेटाइड अर्थराइटिस में भी हेल्पफुल होती है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे वाजीकरण है एफ्रोडियासिक. ये उष्ण, कटु, तिक्त, इन रस गुण विरेपा के हिसाब से अपने कर्म को दिखाती है. वैसे तो अगुरु के साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है अगर हम इसको रिकमेंडेड डोसेज में देते हैं, लेकिन जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं जिनका पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है तो उसमें ऐसा दिखा जाता है कि उनकी बॉडी थोड़ी टेम्परेचर उनका इंक्रीज होता है, उनको हाइपर एसिडिटी देखने को मिलती है. So thank you for watching. Please like, subscribe and share. And our ready to read notes are available on Instagram channel. Link is given in description box.